लखनऊ के दारुल उलूम के मदरसे में योग दिवस में शामिल बच्चों का योग को लेकर क्या कहना है, आप सुनिए तो पता चलेगा कि कुछ नेता बेवजह इस मुद्दे पर सियासत कर रहे हैं। योग दिवस पर पूरे देश में योग हो रहा है। लखनऊ का ये गोमती नगर इलाका है और ये मदरसा है दारुल उलूम वारसिया, यहाँ भी बच्चे योग कर रहे हैं। सुबह से ही ये बच्चे मदरसे में आ गए के बाहर इस ग्राउंड में आ गए थे और यहाँ पर उन्होंने योग करना शुरू किया था। दरअसल उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने जो उत्तर प्रदेश में 16,000 मान्यता प्राप्त सरकारी मान्यता प्राप्त मदरसे हैं उनमें आज योग करने का आदेश दिया है। इसके साथ जो बीजेपी का अल्पसंख्यक मोर्चा है वो भी 900 मदरसों और दरगाहों में योग करा रहा है, तो इस तरह की तस्वीरें आज पूरे उत्तर प्रदेश के मदरसों में दिखाई दे रही है, बच्चे योग कर रहे हैं। आपका नाम? मेरा नाम हामिद रजा। तो मदरसे में किस दर्जे में पढ़ते हैं? मैं हिफ्ज़ ज़ीम के अंदर पढ़ता हूँ। ये जैसे योग हो रहा है, आप पहले भी योग करते हैं? यस मैम, हम हमेशा योग करते हैं और हमेशा एक्सरसाइज अपनी फिजिकल फिट रहने के लिए करते हैं और मदरसे के 99% जो स्टूडेंट हैं वो आप भी जानते हैं और पूरी दुनिया जानती है, तो वो फिजिकल फिट होते हैं। तो आपने देखा किस तरीके से दारुल उलूम के मदरसे के लोग भी योग कर रहे हैं और बड़ी शिद्दत के साथ कर रहे हैं। और एक तस्वीर केवल दारुल उलूम की नहीं है, आप दुबई देखेंगे जहां पर अधिकतर आबादी मुस्लिम आबादी है, वहां पर भी उतने जोश खरोश के साथ योग किया जा रहा है। योग दिवस के मौके पर आज पूरा भारत दुनिया को ही एक ही संदेश दे रहा है, योग मन बुद्धि शरीर और आत्मा को जोड़ता है, जीवन को सुखी और स्वस्थ बनाने के लिए जरूरी भी है। केवल हमारा नहीं विश्व का कल्याण, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित दुखभाग भवेत, सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। लेकिन कल्याण की पहली शर्त है, पहला सुख निरोगी काया। अब बताइए, बीमार आदमी स्वस्थ सुखी रह सकता है क्या? कभी मैं पूछ रहा हूं, सुखी रह सकता है क्या? नहीं रह सकता। अगर सुखी रहना तो पहली शर्त है निरोग रहना, और निरोग रहने के लिए योग से बड़ा साधन और दुनिया में कोई नहीं है। निरोग रहने के लिए योग। ये ऐतिहासिक क्षण है, स्टेट विजिट पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गए हैं, दुनिया भर की निगाहें इस स्टेट विजिट पर है, और जैसा आपने प्रधानमंत्री जी के हर विदेशी दौरे पर देखा है, कुछ ना कुछ नया इतिहास रचकर आते हैं, और इस विजिट में भी नए आयाम स्थापित होंगे। और पहला तो आज ही यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जब होने जा रही है, तो यूएन के कैंपस में ही 180 देशों के जो प्रतिनिधि होंगे वहां पर नरेंद्र मोदी जी के साथ योग भी कर रहे होंगे। आज बड़े गर्व का दिन है, सौभाग्य का दिन है कि माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं संयुक्त राष्ट्र संघ यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर्स में योग डे सेलिब्रेशंस को लीड करेंगे। स्वयं उनके वहां जाने से जो इसका अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव है वो भी बढ़ेगा, और ये दर्शाता है भारत के बढ़ते हुए अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भारत का बढ़ता हुआ प्रभाव, भारत की बढ़ती हुई ताकत। मैं समझता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी स्टेट विजिट पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में हर भारतवासी को गौरवान्वित करेंगे। जो योग मन आत्मा और बुद्धि और शरीर को जोड़ती है, योग डालती है, ऐसी विधा दुनिया में सुख शांति और जीने की कला, किस तरीके से एक सुखद जीवन, एक बैलेंस्ड जीवन जीने की का तरीका भी बताती है, साथ ही साथ ये मन चित्त और को शांत भी रखती है और शरीर को स्वस्थ भी रखती है। आज हम सबके लिए खुशी की बात है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर्स में आज ये योग दिवस मनाएंगे। आज बहुत ही पावन दिन है, योग का दिन, भारत के संस्कार का दिन है, भारत की संस्कृति का दिन है, सनातन परंपरा का दिन है। योग जोड़ता है, योग तोड़ता नहीं है।
इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।